गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माय नेम इज अविनाश घोरपड़े। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड हाउ वी कैन चेंज सिंपल प्रेजेंट टेंस यू नो एक्टिव इनटू पैसिव वाइज। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू चेंज सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज। सो see the structure of simple past tense: subject plus verb's second form plus object। एक बात का मैं आपको assurance देना चाहता हूँ, आज का आपने वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव करना इतना इजीली आ जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया है यार सिंपल पास्ट टेंस का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए हमने, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ वर्ब का है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ यूज किया गया है और यहाँ यूज किया गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इतना ईजी है। तो हम देखने वाले थे कि एक्टिव का पैसिव वाइज कैसे किया जाए। मतलब इसको मैंने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, अगर ये हमारा टॉपिक है आज का, तो हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव कैसे किया जाए। ये उसका स्ट्रक्चर है। इसके लिए मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, फिर आपको समझने की कोशिश करता हूँ। ही लव्ड हिज फ्रेंड्स वेरी मच। चलो, तो ये इस टेंस में आता है कि नहीं ये चेक कर लेते पहले। ही इज अ सब्जेक्ट, लव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट ये है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? ऑब्जेक्ट भी पहचानने का एक तरीका होता है, वो आज समझ लेते हम। जैसे हम मेन वर्ब को आपने अगर एग्जांपल के तौर पे व्हाट से या फिर हुम से क्वेश्चन पूछ लिया, मित्रों दोनों में से किसी का भी आंसर आपको यहाँ वर्ब के बाद आया, तो वो समझ लेना इट्स एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट लव, नहीं आ रहा आंसर। हुम लव, आंसर आ रहा है हिज फ्रेंड्स, मतलब ये है ऑब्जेक्ट, इससे आंसर आ चुका है। दोनों में से किसी से भी आंसर क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर आपको यहां आंसर मिल जाता है तो इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है, सब्जेक्ट है हमारे इसमें वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है। लेट अस सी इसको हम पैसिव वाइज कैसे करें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं यहां एक ऐसे एक टेबल निकाल रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए हमेशा ही आप। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको पता चला है कि दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। और किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में अगर कोई सेंटेंस आता है तो हमेशा ये एक्टिव वॉइस होता है, मतलब दिस इज एन एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस है, मतलब सर हमें फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देर आर 12 टेंसेस, सो अमॉन्ग दोज ओनली 8 टेंसेस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड द रेस्ट ऑफ 4 टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो वो चार कौन से हैं? हर टेंस के जो लास्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम पैसिव वाइज में, इसको हम चेंज कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। तो कैसे करेंगे इसका पैसिव वाइज ऐसे करना है, ऑब्जेक्ट जो है हमें सब्जेक्ट के प्लेस में लेना है, तो हमने ले लिया है। सब्जेक्ट जो है हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस में लेना है तो हमने ले लिया है। उसके पहले बाय लगा दो और बीच में बचा हुआ जो वर्ब है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ ले लिया है। समझिएगा कैसे आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लेना है। किसी भी टेंस का एक्टिव का पैसिव करना हो तो हमेशा ही आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना ही है, थर्ड ही फॉर्म लेना है, कभी भी सेकंड या पहला फॉर्म नहीं आएगा जब पैसिव वॉइस करते हो तब। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। यह हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेन नहीं आएगा, उसके पहले हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो मैं यहां कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले लूं? तो सिंस दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, तो यहां हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या फिर वर, इसको वर बोलते हैं, नॉट वेयर, वॉज वर आएगा। तो मैं यहां वॉज लूंगा या फिर वर लूंगा, मतलब बना कैसे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय और सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इसी को यूज करते इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो दिस इज
एक्टिव वॉइस और हम लिखेंगे यहाँ पैसिव वॉइस। कैसे करेंगे पैसिव वॉइस? ही लव्ड हिज फ्रेंड वेरी मच। आपने क्या बताया सर, एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेना है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ हिज फ्रेंड्स, मैंने एच कैपिटल लिख लिया है क्योंकि वो इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर आपने क्या बोला कि वॉज और वर लेना है सर, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वॉज वर, तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स इज अ प्लूरल, और जब प्लूरल है तो हमें वर लेना है, वॉज लेना नहीं है। बच्चे यहाँ पे भी गलती है करते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, कहाँ से लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम? सर ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसका जो होता है वो लव्ड होता है। और फिर बचा हुआ एक्सटेंशन ले लेंगे वेरी मच, वेरी मच, और उसके बाद जो ही बचा हुआ है ही, उसको हम यू नो ऑब्जेक्ट के प्लेस में रखने वाले। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि ही अगर रहा तो इट्स ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हीम है, शी रहा तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हर है, आई रहा तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म मी है, इस तरह से। तो यहाँ ही है तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेगा हीम। मतलब मैंने इसका पैसिव वॉइस कर लिया है, सबसे ईजी तरीका है पैसिव वॉइस करने का, एक्टिव का बन गया पैसिव। हिज फ्रेंड्स वर लव्ड वेरी मच बाय हिम, एकदम ईजी तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस कर लिया है। और भी कुछ सेंटेंसेस आपको देखना है, आप समझ सकते हो, मैं और दो चार सेंटेंसेस यहाँ सिंपल पास्ट टेंस के दे देता हूँ, और आपको खुद को भी करने की ट्राई करना है। वो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम एक दो और सेंटेंस देखेंगे सेम इसके, तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ही ब्रोक दी विंडो। अब ये सेंटेंस आप एक बार देख लीजिए कि कौन से टेंस में है। तो मैं टेंस के लिए सब्जेक्ट, ब्रोक जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो मैंने ले लिया है, या द विंडो ऑब्जेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे, वही टेक्निक एक बार, एक तो व्हाट से पूछेंगे या फिर होम से पूछेंगे। व्हाट ब्रोक द विंडो, आंसर मिल चुका है, मतलब सर ये इट्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। चलो एक्टिव वॉइस आ गया, ये पता चला है, इसका करेंगे पैसिव वॉइस। अभी अभी मैंने आपको लिख के दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, बीच में हेल्पिंग वर्ब लेना है वॉज वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। द विंडो को हम आगे डाल देते हैं, द विंडो, कितना ईजी है। और फिर आपको आपने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब लेना है तो वॉज आएगा कि वर आएगा, सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, ब्रोक का आ जाएगा यहाँ ब्रोकन, और ही का बन जाएगा यहाँ बाय हिम। इतना इजी तरीके से हमने इसको पैसिव वॉइस कर लिया है। अभी इसी पैसिव वॉइस को आप रिवर्स जाके एक्टिव वॉइस भी कर सकते हैं, इतना इजी है। हम वीडियो के आगे जाते हैं, लेकिन ये तो सिंपल असर्टिव सेंटेंस हुआ, असर्टिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। लेकिन क्या हम अपने लाइफ में हमेशा असर्टिव बोलते हैं? बहुत बार हम नेगेटिव बोलते हैं, बहुत बार हम रिजेक्शंस देते हैं, बहुत बार हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो आगे वाली स्टेप है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम रिजेक्शन या नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस कैसे किया जाए सर सिंपल पास्ट टेंस में, तो वो देखते हैं। वो भी इतना ही ईजी है, ये आप लिख के रख सकते हैं या फिर मैं इसके नीचे लिख के देता हूँ आपको यहाँ। चलो नेगेटिव सेंटेंस रहा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे किया जाए सिंपल पास्ट टेंस में, इतना ईजी है। मैं इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ही, तो आपको पता है इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए क्या करना चाहिए? आप कभी ऐसे बोले कि ही ब्रोक नॉट, नहीं, आप मेन वर्ब को कभी नॉट नहीं लगा सकते। इसका मतलब यह है कि उस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में उस वर्ब से आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना पड़ेगा और नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ ब्रोक वर्ड है, यहाँ ये ब्रोक वर्ड पता है बेटा कैसे बना है? ये बना है ब्रेक प्लस डिड से इज इक्वल टू ब्रोक। मतलब सिंपल भाषा में यह है कि दुनिया के किसी भी वर्ब में तीन चीजें छुपी हुई रहती है, किसी भी वर्ब में, एक होता है डज, एक होता है डू, और एक होता है डिड। और वर्ब के सेकंड फॉर्म में हमेशा ही डिड छुपा होता है। क्या छुपा होता है? डिड, सेकंड फॉर्म में। तो इसमें सेकंड फॉर्म ही होता है सिंपल पास्ट में, तो मैंने डिड बाहर निकाल दिया। इसलिए क्यों निकाला डिड बाहर इसका ब्रेक से? क्योंकि मुझे वहां लगाना है नॉट। सो आई डिड नॉट ब्रेक ब्रेक द विंडो। मतलब इस सेंटेंस का यह है कि मैंने वो विंडो ब्रेक नहीं किया, मैंने वो विंडो ब्रेक
नहीं किया। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला? सर यहाँ नॉट है। अब इस तरह के सेंटेंस रहा रहे तो आपको इसका पैसिव वाइज कैसे करना है वो बताएंगे। दिस इज एन एक्टिव वाइज, सेंटेंस ऑफ एक्टिव वाइज, तो इसका पैसिव वाइज बनाएंगे। चलो बना लेते इसका पैसिव वाइज। सर वही टेक्निक आपको यूज करनी है, द विंडो इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहां द विंडो ले लिया। उसके बाद क्या लेना है, डिड प्लस ब्रेक, मतलब वो ब्रोक ही है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, आपको वॉज और वर लेना है, तो मैंने यहां ले लिया वॉज क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वॉज को लगा दिया। नॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के सामने आता है। यहाँ डिड के सामने आया है, यहाँ वॉज के सामने आ रहा है। वॉज कैसे आया आपको पता है, डिड प्लस ब्रेक का मतलब ब्रोक ही होता है, ब्रोक का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हमने सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए हमने वॉज लिया, वॉज या वर्ब। वॉज नॉट ब्रोकन बाय ही के लिए हम यहाँ ले रहे हिम, दैट इज वॉट। इतना इजी तरीके से हम ये इसका निगेटिव भी कर सकते हैं। अभी और एक सेंटेंस देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसी का ही हम इंट्रोगेटिव कैसे करें, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका पैसिव वाइज हम कैसे कर सकते हैं वो अभी देखने वाले। कमिंग टू द सेम टॉपिक, सिंपल पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट टेंस उसका पैसिव वाइज कैसे किया जाए, हमने देखा अभी तक निगेटिव कैसे किया जाए, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वाइज कैसे किया जाए, अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस रहा तो उसका पैसिव वाइज कैसे किया जाए। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें है एक है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मित्रों, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। व्हाट इज दिस, ओके इज दिस वाइट, तो आप बोलेंगे यस दिस इज वाइट। इज दिस मार्कर, तो आप बोलेंगे यस। तो ये जो है इट्स कॉल्ड यस नो टाइप। द क्वेश्चन बिगिन्स विथ हेल्पिंग वर्ब एंड द आंसर इज सिंपली यस और नो, तो उस क्वेश्चन को हम यस नो टाइप बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ जो यस नो टाइप क्वेश्चन आएगा आपको सिंपल पास्ट टेंस में, उसकी शुरुआत हमेशा ही डिड से होगी। किससे होगी? डिड से होगी, इसलिए उसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार उसी का, और उसका पैसिव वाइज करते हैं कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर डिड यू ब्रेक दी विंडो, अगर ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है और क्वेश्चन मार्क्स आपको एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसका पैसिव वाइज कैसे करते हैं? तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, सर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का हमने पैसिव वाइज करना सीखा नहीं है, तो इसका भी पैसिव वाइज करना उतना ही ईजी है जितना असर्टिव सेंटेंस का। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये फिलहाल, तो आप एक चीज़ कीजिए, ये जो डीड है माई फ्रेंड, ये जो डीड है इसको आप ब्रेक के अंदर घुसा दीजिए। अगर डिड की आत्मा ब्रेक में चली गई तो क्या होगा इसका, आपको पता है, इसका बन जाएगा ब्रोक, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अभी भी सेकंड फॉर्म ही है क्योंकि डिड बाहर निकाला है इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के लिए डिड को बाहर निकाला गया। डिड एक बार भी ब्रेक में चला गया तो बन जाएगा ब्रोक, तो इसको अंदर डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया है। तो ये सेंटेंस बना है अभी, यू ब्रोक द विंडो। अब ये सेंटेंस क्या बना है, यू ब्रोक द विंडो। क्या आपने यू ब्रोक द विंडो जो है इसका पैसिव वाइज नहीं बनाया है, अभी तो बनाया है, तो ये डिड अंदर डालने के बाद सेंटेंस बन जाता है। ये इसका करेंगे पैसिव वाइज, इसका पैसिव वाइज कैसे करेंगे, द विंडो ये ऑब्जेक्ट है, पता चला आपको कैसा ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वाइज हम करने जा रहे हैं द विंडो, और ये सिंपल पास्ट है इसलिए वॉज या वर आएगा, तो विंडो सिंगुलर है इसलिए आएगा वॉज, द विंडो वॉज, ब्रेक का हो जाएगा ब्रोकन, और यू का जो होता है वो यू ही होता है, बाय यू, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय यू, बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि ये आपने क्वेश्चन दिया था और आपने डिड डाल के उसको असर्टिव बना दिया, तो इसका पैसिव वाइज भी क्वेश्चन में होना चाहिए ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्वेश्चन में है, तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अभी। तो क्वेश्चन बनाने की एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के सामने डाल दो। तो मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सामने डाल दिया, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय यू और क्वेश्चन मार्क्स,
तो बन गया है। तो स्टेप्स फॉलो किया इसमें मैंने, पहले इस इंट्रोगेटिव को मैंने असर्टिव सेंटेंस बना दिया, असर्टिव का मैंने पैसिवाइज किया और फिर उसको क्वेश्चन बना दिया। तो इतना स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी बना सकते हो, लेकिन आप इनिशियल लर्नर हो, आप बिगिनर्स हो, तो आप इस स्टाइल में भी इसको बना सकते हैं, इस वे में भी आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन को असर्टिव बना दो, असर्टिव का पैसिवाइज बना दो और पैसिवाइज को फिर क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन बनाना सबसे ईजी होता है इसनो टाइप में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे डाल दो, क्वेश्चन तैयार, इजेंट इट। तो इतना इजी वो चीज़ है। तो आपने यसनो टाइप का पैसिवाइज कैसे बनना है वो सीख लिया है। एक एग्जांपल दूँ या आपको 10 एग्जांपल दूँ, फॉर्मेट या स्टाइल या फिर द वे ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वो सेम ही रहेगा, बाकी चीज़ों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम अगर ये लिख लिया होगा आपने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं WH क्वेश्चंस आपको पढ़ाने वाला हूँ। कमिंग टू एन अनदर टॉपिक इन सिंपल पास्ट टेंस, लास्ट वन इज इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन। देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चंस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज यस नो टाइप क्वेश्चंस। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओवर WH क्वेश्चंस। अ क्वेश्चंस बिगिंस विथ ईदर W और H। सो वो W से भी स्टार्ट सकता है और H से भी स्टार्ट सकता है, इसलिए उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। जब मैं छोटा था तब W और H को कंबाइन करके मैं WH क्वेश्चन समझता था। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसकी शुरुआत एक तो व्हाट से रहेगी या फिर वेयर से रहेगी, विच से भी रह सकती है, वाई से रह सकती है, हुम से रह सकती है, हु से रह सकती है या फिर हुस से रह सकती है। तो इस तरह के जो WH या फिर हाउ मेनी हाउ मच जैसे वर्ड जो है इससे भी रह सकती है, हाउ से भी रह सकती है। सो ईदर द क्वेश्चंस विल बिगिन विथ W और H, तो इसको इसलिए WH बोलते हैं। इसी को ही हम वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं। वर्बल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आंसर देने के लिए वी नीड वर्ड्स। वर्बल जो है इट्स एन एडजेक्टिव फॉर वर्ड, तो उसके लिए वर्ड्स की जरूरत होती है। व्हाट इज योर नेम बोला तो आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि अविनाश, आपको उसका प्रॉपर आंसर देना है तो आपको बोलेंगे माय नेम इज अविनाश। तो उसके लिए हमें वर्ड्स की बहुत सारी जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको हम वर्बल क्वेश्चन भी बोलते हैं। चलो तो आपने WH क्वेश्चन होता क्या है ये समझ चुके होंगे आप। तो WH क्वेश्चन अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस में पूछा गया, सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसका पैसिवाइज कैसे करेंगे वो समझते हैं। यस नो टाइप तो आपको पता है कि वो हमेशा ही डिड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन विल ऑलवेज स्टार्ट विद डिड इन यस नो टाइप। ये हमने सीख लिया, एग्जाम्पल भी सीख लिया। हम आते हैं WH क्वेश्चन को पैसिवाइज कैसे करते हैं उसके लिए। तो यहाँ हु किल्ड द स्नेक ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, तो दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है सेंटेंस। अभी तक आपने बताया सर कि वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, चेंज होता है और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो ये भी सेकंड फॉर्म में है। मतलब ये जो है ये सिंपल पास्ट है, ये सेंटेंस पहले कर लेते हैं, सिंपल पास्ट है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हु से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है सिंपल पास्ट में, तो उसको पैसिवाइज करते समय आप यहाँ आ सकते हैं। उसको पैसिवाइज करते समय आपको बाय हुम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बाय हुम से आप यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस आंसर्स। तो ये एक्टिवाइज है, इसका पैसिवाइज करेंगे हम और बनाएंगे बाय हुम से, बाय हुम। तो जब आप क्वेश्चन तैयार करते हो तो बाय हुम के बाद आपको यू नीड हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब हमें वॉज या वर लेना है, तो बाय हुम वॉज आएगा यहाँ, बाय हुम वॉज द स्नेक, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ। बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड, ये भी थर्ड फॉर्म में आता है। किल्ड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, इसलिए लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क्स। तो इसकी भी एक फॉर्मूला, इसकी भी स्ट्रक्चर है, मैंने वो लिख के नहीं दिया आपको कि वो एक्टिवाइज में कैसे रहेंगे और पैसिवाइज में कैसे रहेंगे, लेकिन आपने बहुत सारे सेंटेंसेस, अभी तक हमने 8 या 10 सेंटेंसेस किए होंगे शायद, तो वो वही फॉर्मेट में इसको भी बनाया गया है। ऑब्जेक्ट हमने आगे लिया है, ऑब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है। वही एक टेक्निक होती है क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि बाय हुम अगर निकाल दो आप तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। बाय हुम लगा दिया तो वो WH क्वेश्चन बन गया है, लाइक दिस। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाई डिड यू अब्यूज यूर सर्वेंट। चलो इसको थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं, इसका वाई निकाल देते हैं। मतलब और एक टेक्निक है WH क्वेश्चन को बनाने की पैसिवाइज, वाई निकाल देते एक मिनट के लिए, तो बचा क्या है, डिड यू अब्यूज यूर सर्वेंट। सर ये तो यस नो टाइप लग रहा है मुझे, क्योंकि डिड से शुरू हुआ है। क्या आप अपने सर्वेंट को अब्यूज करते हो? एक तो यस बोलेंगे आप, नो बोलेंगे, तो बन गया यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन का आपको पैसिवाइज बनाना आता है, तो इसको बनाएंगे पैसिवाइज और वाई को लगेंगे बाजू में। कैसे बनाएंगे?
चलो एक बार एक और ट्राई करते, इस डिड को हम अब्यूज में डाल देते एक मिनट के लिए, डाल दिया तो ये बन गया ऐसे, डिड यू अब्यूज्ड। डिड की आत्मा अगर अब्यूज में चली गई तो वो सेकंड फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, ये अभी भी सेकंड फॉर्म ही है लेकिन डिड को बाहर निकाला है हेल्पिंग वर्ब, वो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का इसलिए। सो डिड यू अब्यूज यूअर सर्वेंट। चलो सर अब ये आपके बाएं हाथ का खेल बन गया है, ये डिड यहाँ नहीं आएगा, सॉरी यू अब्यूज यूअर सर्वेंट। तो अभी ये इजी बन गया आपके लिए क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस बन गया है, इसका आपको पैसिवाइज करना आता है। कैसे करेंगे? यू जो है सर वो सब्जेक्ट है, अब्यूज जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे करेंगे चेक? अब्यूज व्हाट नहीं पता, अब्यूज हुम पता है, यूअर सर्वेंट मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पता चल गया तो इसको पैसिवाइज करना बनना एकदम ईजी हो जाएगा। तो यूअर सर्वेंट ले लेंगे पहले, यूअर सर्वेंट, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेने के बाद क्या आता है? फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा? सिंपल पास्ट है तो वाज या वर आएगा, तो सर्वेंट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ वाज ले लिया, योर सर्वेंट व्हाट। अब्यूज का थर्ड फॉर्म जो होता है वो अब्यूज्ड ही होता है, अब्यूज्ड और बाय यू बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर इस सेंटेंस में कि हमें यहां बनाना है क्वेश्चन, ये तो आपने असर्टिव का पैसिवाइज बनाया, क्वेश्चन कैसे बनाए? तो क्वेश्चन बनाना सबसे इजी है दुनिया में, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना सबसे इजी है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के आगे डाल देंगे, मतलब मैंने हेल्पिंग वर्ब डाल दिया यहां, यहां का हेल्पिंग वर्ब यहां चला गया, तो ये कैसे हो गया? वॉज यूअर सर्वेंट अब्यूज बाय यू, तो ये बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन बन गया है हाँ राइट, तो अगर ये क्वेश्चन बन गया है तो हम क्या करेंगे? वॉज यूअर सर्वेंट अब्यूज बाय यू, तो बन गया क्वेश्चन। लेकिन अभी भी सर आपने इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाया है, इसको आपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं बनाया, तो कैसे बनाएंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन? तो इस वाई को यहां लगा दो, तो वाई वॉज यूअर सर्वेंट अब्यूज बाय यू, ये बन गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। मतलब इसमें कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए, एक तो पहले इसको डब्ल्यू एच का मैंने यस नो टाइप क्वेश्चन बना दिया, यस नो टाइप क्वेश्चन का मैंने असर्टिव बना के उसका पैसिवाइज बना दिया, और लास्ट में मैंने वाई निकाल के वाई लगा के उसको फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना दिया। तो ये कुछ स्टेप्स में मैंने बनाया, सिंपल भी आप बना सकते हो, इतना ईजी है सेंटेंस है। यहाँ कुछ और चीज़ें मैंने आपको लिख के दिए हैं, अगर हुम से कोई एक्टिवाइज में स्टार्ट होता है तो बाय हुम से स्टार्ट कीजिए, हुस से होता है तो बाय हुस से होगा, हुम अगर कोई सेंटेंस एक्टिवाइज में हुम से स्टार्ट होता तो उसका पैसिवाइज करते समय आपको हु यूज करना पड़ता है इस तरह से। तो ये कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं, इसमें से और टाइप भी है, कुछ इन्फिनिटिव वर्ब भी अगर कोई सेंटेंस में रहा तो उसके भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव करने के कुछ अलग तरीके होते हैं, लेकिन पूरी चीज़ें शायद आज हम नहीं पढ़ पाएंगे। ओवरऑल मैंने बहुत सारा टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस का आज कवर कर लिया है, इसमें से भी आपको कुछ डिफिकल्टी या क्वेरी आपको लगती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। और एक चीज़, पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट देनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच।